विकास की नई परिभाषा लिख रही वाराणसी के लिए एक और शुभ समाचार आया है और भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पश्चात अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का होगा स्वप्न से परे कायाकल्प। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाले सबसे अनोखे एयरपोर्ट की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा आपको इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे तथा बताएंगे इस परियोजना में होने वाले भूमि अधिग्रहण व निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 9 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प भी कर दिया गया है एवं वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट हाईवे तो अपने आप में विकास का मॉडल है। बता दें कि पर्यटक संख्या की दृष्टि से गोवा को पछाड़ चुकी वाराणसी एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी का पर्यटकों के इस नगर के प्रति आकर्षण के कारण से वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट के पश्चात दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है तथा इसके अंतर्गत एयरपोर्ट का स्वरूप अब पूर्णतया परिवर्तित होने वाला है। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इसके विस्तारीकरण के लिए अब आवश्यक भूमि की क्रय की जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से बीते दिनों इस संबंध में शासन आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि वाराणसी के हवाई अड्डे के विकास और विस्तारीकरण के लिए कुल 1018 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। निदेशक नागरिक उड्डयन को निर्देशित किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए गए 550 करोड़ रुपए वह तत्काल डीएम वाराणसी को आवंटित करेंगे। डीएम वाराणसी द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संबंधित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। परियोजना में क्या क्या बनना है, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि योजना के अनुसार वर्तमान समय में 2745 मीटर लंबे रनवे का और विस्तार होगा, जिसे 1750 मीटर और बढ़ाया जाएगा। रनवे के विस्तार होने से वाराणसी सुल्तानपुर NH-56 हाईवे टनल से गुजरेगी, अर्थात ऊपरी सतह पर विमान उतरेंगे और नीचे से हाईवे गुजरेगा। टनल बनाने को IIT विशेषज्ञों के साथ भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार टनल इस प्रकार से बनाए जाना प्रस्तावित है कि भारी विस्फोटकों से भी इसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि एयरपोर्ट प्राधिकरण की ओर से जारी की गई डिजाइन के अनुसार इसके प्रवेश द्वार से भीतर घुसते ही लगेगा कि आप एयरपोर्ट पर नहीं अपितु गंगा घाट पर पहुंच गए हैं। यहाँ नाव की डिजाइन पर वैदिक मंत्र लिखे होंगे। इसकी छत स्टील की होगी जबकि फर्श ग्रेनाइट पत्थर की होगी। वाराणसी एयरपोर्ट की डिजाइन को 3P पर आधारित रखा गया है। इसका अर्थ है पीपल, पर्पज और प्लेस अर्थात लोग, उद्देश्य और स्थान। नई डिजाइन के अनुसार नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन बनेगा और इसके साथ ही 5 एयरो ब्रिज का निर्माण होगा। एयरपोर्ट पर खान पान, शॉपिंग और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने 7 गांवों की भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित की है। भूमि अधिग्रहण की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि एयरपोर्ट के आसपास के सगुनहा, गमहापुर, कर्मी, बैकुंठपुर, मंगारी, पूरा रघुनाथपुर व बसनी गाँव में भूमि की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया है।
इन गांवों के लगभग 850 किसानों की 350 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में इन गांवों से बड़ी जनसंख्या भी विस्थापित होगी। क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन ने किसानों से वार्तालाप आरंभ कर दी है तथा कई किसानों से बैनामा भी हो चुका है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 350 एकड़ भूमि अगले 2 महीने में क्रय की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट को 3 गुना क्षेत्र तक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे वर्ष 2024 तक डेवलप किया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट एक्सपेंशन के फर्स्ट लुक के अनुसार नए टर्मिनल में गंगा घाट, मंदिर के घंटों और सारनाथ के प्रतीक दिखेंगे। साथ ही विशेषता होगी कि ग्लास अर्थात कांच से नेचुरल लाइट अर्थात प्राकृतिक प्रकाश से ही भवन प्रकाशित रहे। इसके लिए बिल्डिंग वेंटिलेशन के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट्स और गृह रेटेड हाई परफॉर्मेंस डबल ग्लेज्ड ग्लास लगाए जाएंगे। नया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस 50,600 वर्ग मीटर में बनने वाले हवाई अड्डे में 5 एयरब्रिज होंगे। एयर स्ट्रीट का चौड़ीकरण होगा, साथ ही विमानों के सुगम संचालन हेतु रनवे का विस्तार किया जाएगा। विमानों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त यात्री सुविधाओं से जुड़े कई अन्य कार्य भी होंगे। इस समय बाबतपुर के आसपास की भूमि की रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को सिडनी एयरपोर्ट के प्रकार से ही विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। विस्तार के पश्चात यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा जिसकी रनवे के नीचे से टनल अर्थात सुरंग से हाईवे गुजरेगा। एयरपोर्ट रनवे का विस्तार होने से यहां अमेरिकी राष्ट्रपति की खास विमान एयरफोर्स वन के साथ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी सरलता से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। यह भी बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना वर्ष 2015 में बनी थी, परंतु इस पर कार्य अब आरंभ होने जा रहा है। वैसे एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट आने से आने वाले समय में बाबतपुर व आसपास के क्षेत्र की तस्वीर काफी कुछ बदल जाएगी। एयरपोर्ट से आगे के क्षेत्र में CISF, CRPF व NDRF का ट्रेनिंग सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इसके लिए लगभग 300 एकड़ भूमि प्रशासन ने चिन्हित की है। इसमें अधिकांश भूमि बंजर या फिर ग्राम समाज की होने से थोड़ी ही भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इन प्रोजेक्ट के प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सिडनी एयरपोर्ट के प्रकार से अत्याधुनिक विकसित करने से वाराणसी के एयरपोर्ट पर काशी की सभ्यता के साथ संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जो आध्यात्मिक नगरी काशी की छवि को और सुदृढ़ करेगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी एयरपोर्ट एक्सटेंशन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।